नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप यादव ने सदन में योगी सरकार की नीतियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाएं, नौजवान, बहनों और बेटियों का बजट में कतई ध्यान नहीं रखा गया है। किसान बीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करना चाहिए। जिस किसान के पास खेती नहीं है और उसके 2 बेटे हैं, उनको भी किसान बीमा का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही दिलीप यादव ने कहा कि जहां पानी खारा आता है, जिससे किसानों की फसल चौपट हो जाती है, उसके लिए सरकार को किसानों को पानी फिल्टर कर दिया जाए, जिससे अच्छी फसल उगे। महिलाओं को, नौजवानों को कतई बजट में किसी तरह का ध्यान नहीं रखा गया। इसमें किसान बीमा जो मिलता था 5 लाख रुपए की एक्सीडेंटल घटना हो जाती थी, उन घटनाओं में 5 लाख रुपए केवल उसी को मिलता है जिनके लिए भूख होती है। मेरा अनुरोध सरकार से है कि 5 लाख से 10 लाख करना चाहिए बजट में। इसके साथ साथ कई 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, प्रत्येक किसान की जमीन पर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की। वहां पानी कैसे पहुंचे, वहां भूल होनी चाहिए, सरकारी नलकूप टूटल होने चाहिए, अंध कोई नहर बनना कोई होना चाहिए। यदि किसान को वहाँ पानी नहीं मिल पाएगा तो किसान के नुकसान के साथ साथ राष्ट्र का भी नुकसान है। वो उपज अच्छी पैदा कर सकता है, यदि उसमें सिंचाई का साधन मिल सके। सिंचाई के साधन न होने के कारण से किसान परेशान होता है। हम फिरोजाबाद से आते हैं, फिरोजाबाद में कई ब्लॉक में बहुत खारा पानी है और खारा पानी पीने की वजह से लोगों में बीमारियां बहुत तरह की पैदा होती है। एक नाकी ब्लॉक है, खारबंद ब्लॉक है, वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई पेयजल में, जिससे खारा पानी पीने में बीमारी होती है, उस बीमारी से बच सके। कई एक तो कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ केवल उस पानी की वजह से लोग चलने में झुक जाते हैं और उम्र कम होती है। इसीलिए खारे पानी का विशेष ध्यान रखा नहीं गया। पेयजल की व्यवस्था में सरकार को बजट में विशेष ध्यान रखना चाहिए था। किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को कतई बजट में किसी तरह का ध्यान नहीं रखा गया। इसमें किसान बीमा जो मिलता था 5 लाख रुपए की एक्सीडेंटल घटना हो जाती थी, उन घटनाओं में 5 लाख रुपए केवल उसी को मिलता है जिनके लिए भूख होती है। मेरा अनुरोध सरकार से है कि 5 लाख से 10 लाख करना चाहिए बजट में। इसके साथ साथ कई 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, प्रत्येक किसान की जमीन पर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की। वहां पानी कैसे पहुंचे, वहां भूल होनी चाहिए, सरकारी नलकूप टूटल होने चाहिए, अंध कोई नहर बनना कोई होना चाहिए। यदि किसान को वहाँ पानी नहीं मिल पाएगा तो किसान के नुकसान के साथ साथ राष्ट्र का भी नुकसान है। वो उपज अच्छी पैदा कर सकता है, यदि उसमें सिंचाई का साधन मिल सके। सिंचाई के साधन न होने के कारण से किसान परेशान होता है। हम फिरोजाबाद से आते हैं, फिरोजाबाद में कई ब्लॉक में बहुत खारा पानी है और खारा पानी पीने की वजह से लोगों में बीमारियां बहुत तरह की पैदा होती है। एक नाकी ब्लॉक है, खारबंद ब्लॉक है, वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई पेयजल में, जिससे खारा पानी पीने में बीमारी होती है, उस बीमारी से बच सके। कई एक तो कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ केवल उस पानी की वजह से लोग चलने में झुक जाते हैं और उम्र कम होती है। इसीलिए खारे पानी का विशेष ध्यान रखा नहीं गया पेयजल की व्यवस्था में।